नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करेंगे यूपी 75 का। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौत के बाद में लखनऊ पुलिस हुई सक्रिय। चेकिंग के दौरान 300 से ज्यादा शराब की पेटियां बरामद। शराब पेटी कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। मैनपुरी में प्रेम प्रसंग को लेकर प्रेमी ने घर में घुसकर किया बवाल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। जमीनी विवाद में दबंगों ने एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की। पीड़ित परिवार ने की थाने में शिकायत। पड़ोसियों के आपसी विवाद में एक युवक ने की आत्महत्या। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। सोनभद्र के शक्तिनगर पुलिस की बड़ी कामयाबी। 4 शातिर मोबाइल चोरों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतों के बाद में फिरोजाबाद में भी हाई अलर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम सीओ ने आबकारी विभाग के साथ लगाया चेकिंग अभियान। लखनऊ में कोरोना से 11 लोगों की मौत। ब्लैक फंगस के 18 नए मरीज मिले। यूपी में युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में शामिल हुआ सैनिटाइजर उद्योग। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा निरस्त। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटर की परीक्षा कराने की योजना। अयोध्या में बन रही धन्नीपुर मस्जिद के लिए दान देने पर नहीं लगेगा कोई भी टैक्स। पूर्व स्टूडेंट और युवा इनोवेटर गौरव ने देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया तैयार। 61,000 रुपए की लागत से तैयार हुआ ये कंसंट्रेटर। मिर्जापुर में पानी को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने। विवाद की जड़ है जरगो जलाशय। ₹2200 करोड़ से बना 4 लेन टेस्टिंग में ही टूटा। निर्माण करवाने वाली कंपनी ने दी सफाई। राकेश टिकैत को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। किसान आंदोलन से था नाखुश। यूपी में बढ़ाई जाएगी आंशिक लॉकडाउन की समय सीमा। 7 जून तक रह सकता है कोरोना का कर्फ्यू। पिता को सबक सिखाने के लिए बेटी ने ही करवा दी घर में चोरी। पुलिस ने 24 घंटे में किया राजफाश। 3 लोग गिरफ्तार। यूपी में ट्रक लूटने वाले गैंग का खुलासा। कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। गोरक्षक दल ने तस्करों से आजाद कराए 35 गौवंश। 2 तस्कर पुलिस के हवाले। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 56 लोगों की हुई मौत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांगी रिपोर्ट। सरकार विरोधी वक्तव्य देने वाली महिला को बताया सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी। बस्ती पीलीभीत में मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश के व्यापारी संगठन ने लॉकडाउन के बीच में बाजार खोलने का समय बढ़ाने की मांग की।
लखनऊ में लल्लू यादव समर्थकों के आगे पुलिस का सरेंडर, कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ाई धज्जियां। कानपुर में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी कमरुज्जमा के दो साथी भी बेनकाब, एनआईए ने फाइल की चार्जशीट। कोविड-19 के कारण माता पिता को गवा देने वाले बच्चों की पालन हार बनी योगी आदित्यनाथ सरकार। लखनऊ में कुड़िया घाट पहुंचे जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, कहा जल्द पूरा किया जाए बंधे का निर्माण। वाराणसी के महेशपुर में युवक की हत्या के मामले में 7 लोग गिरफ्तार, क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ था विवाद। जौनपुर में चिकित्सक की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार सुल्तानपुर की ओर हो गए फरार। वाराणसी में सपा कार्यकर्ताओं ने जल जमाव को लेकर सड़क पर धान रोप कर जताया विरोध। वाराणसी में यूपीपीसीएल चेयरमैन के खिलाफ कई मांगों को लेकर अभियंताओं ने किया कार्य बहिष्कार। नाले में तब्दील 80 नदी की सफाई का आदेश, वाराणसी नगर आयुक्त ने जलकल को किया निर्देशित। यूपी में कौशल विकास विभाग की पहल, अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट की ट्रेनिंग के साथ में देगा रोजगार। कुशीनगर में पुल से भिड़ी अनियंत्रित कार, 4 लोगों की मौके पर मौत। हज जाने वालों के लिए सऊदी अरब का नया फरमान, दोनों टीके लगवाने के बाद ही मिलेगी अनुमति। प्रयागराज में बारिश के कारण सब्जियों के थोक रेट में 2 गुना उछाल, फुटकर कीमत में भी होगी बढ़ोतरी। प्रयागराज में ब्लैक फंगस के इलाज का नकली इंजेक्शन बेचने में हुए बेनकाब, प्रयागराज पुलिस ने बंद कराया मेडिकल स्टोर। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश, रिटायरमेंट के बाद में सर्विस बुक में दर्ज जन्मतिथि में नहीं होगा परिवर्तन। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर होगा 1 लाख का इनाम, गिरफ्तारी के लिए बड़ी एजेंसियों को सौंपी जाएगी जिम्मेदारी। शादी समारोह से लौट रहे आभूषण कारोबारी और उसके साथी को प्रतापगढ़ में गोली मारकर बदमाशों ने लूटा। आम की पेटी में गांजे की तस्करी, प्रयागराज में 1 करोड़ रुपए के माल समेत एसटीएफ के हत्थे चढ़े 7 तस्कर। लुटेरी दुल्हन और उसकी कथित मां समेत 3 लोग गिरफ्तार, मथुरा से शादी के लिए शिकार फंसाकर लाए थे कौशाम्बी। व्यापारिक संगठनों ने आंशिक कोरोना कर्फ्यू को समाप्त कर 1 जून से बाजारों को खोलने की सीएम योगी आदित्यनाथ से मांग की। प्रयागराज में ब्लॉक प्रमुख की 21 सीटों पर सपा प्रत्याशी घोषित, 2 सीटों पर हो रहा मंथन। बिजली विभाग को लगा राजस्व का करंट, राजस्व की घटती रफ्तार से अफसर परेशान।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भुवनेश्वर की मां कोरोना पॉजिटिव, सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती। मेरठ में बड़ी लापरवाही, मृतक को लगा दी कोरोना की वैक्सीन, पोर्टल ने मोबाइल पर भेजा बधाई मैसेज। सिक्किम में तैनात मेरठ के कैप्टन श्रेयांश कश्यप की मृत्यु, 24 घंटे में 7 बार पड़ा दिल का दौरा। मेरठ में शराब पीकर हुड़दंग कर रहे युवाओं को टोका तो महिला को मारी गोली, हवाई फायरिंग करते हुए फरार। प्राकृतिक ऑक्सीजन की नहीं रहेगी कमी, आगरा में 6000 से ज्यादा लगाए जाएंगे पीपल और बरगद के वृक्ष। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 20 फीट गहरी खाई में गिरी बस, कई यात्री घायल। प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में प्रवासी मजदूर और दूसरे सप्ताह में रेहड़ी एवं अन्य को मिलेगी 1000 रुपए की सहायता। कानपुर के बांस मंडी में भीषण आग से दहशत, टिम्बर फर्मों को लाखों का नुकसान। कानपुर के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 31 को लगेगा रोजगार मेला, 1000 पदों पर मिलेगी नौकरी। बरेली के गंगाशील अस्पताल में भाजपा के रक्तदान शिविर में सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने किया रक्तदान। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले उवैश के घर में पुलिस ने खंगाले दस्तावेज, सऊदी अरब और दुबई की कॉल की जा रही ट्रांसफर। मुरादाबाद में शराब की दुकानों को चेक करने के लिए दौड़े अफसर, छापेमारी में पकड़ी गई अवैध शराब। मुरादाबाद में अपहरण के बाद में युवक को पेड़ से बांधकर पीटा गया, पुलिस का दबाव पड़ने पर छोड़ा एक गिरफ्तार। नोएडा में गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश गिरफ्तार, 2 शातिर बदमाश और 6 चोर भी पुलिस की गिरफ्त में। नोएडा में 24 घंटे में होगा वैक्सीनेशन, रात में भी लोग लगवा सकेंगे टीका। बुलंदशहर के एक गांव में 13 साल पहले बना सरकारी अस्पताल, जहां आज तक नहीं एक भी डॉक्टर पहुंचा। कोरोना वायरस का संक्रमण किस पानी में रहता जीवित, आईआईटी कानपुर करेगी रिसर्च। लकड़ी पर नक्काशी के लिए मशहूर सहारनपुर का वुड कार्विंग उद्योग ठप, कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट। मिर्जापुर में दूल्हे ने पी शराब तो दुल्हन ने किया शादी से इनकार, वापस लौटा दी बारात। रायबरेली में शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस पर पत्थरबाजी, मामले में 4 लोग गिरफ्तार। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की ठगी करने वाला आरोपी अरेस्ट, शराब माफिया भी रह चुका है आरोपी। नोएडा में गो हत्या के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, भारी मात्रा में गोमांस बरामद।
मथुरा में राजकीय बाल शिशु गृह के 3 बच्चों की मौत संबंधी घटना की जांच के आदेश। अमेठी में बाइक से घर जा रहा था 108 नंबर एम्बुलेंस ड्राइवर, गाड़ी ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। प्राकृतिक जल स्रोतों से हटाया जाएगा अवैध कब्जा, 1 जून से चलेगा एंटी भू माफिया अभियान। लखनऊ में जमीन के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात, घर में हत्या कर सड़क पर फेंका मां का शव। यूपी में ट्रक लूटने वाले गैंग का खुलासा, कई राज्यों में फैला था नेटवर्क। यूपी में अपनी ही सरकार में बेबस बीजेपी के विधायक, बेटे की मौत के जिम्मेदारों पर नहीं दर्ज हो रही एफआईआर। अलीगढ़ कांड के बाद में जागे अफसर, बदायूं में शराब की 9 दुकानें की सील। बदायूं में ब्लैक फंगस के इलाज को मेडिकल कॉलेज में 5 बेड का वार्ड तैयार, शासन से विशेषज्ञ और दवाइयों की मांग को लेकर लिखा गया पत्र। लीबिया से वापस लौटे भारतीय यात्री लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़े गए, मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में 3 मंजिला मकान जमींदोज, मौके पर पहुंचे प्रशासन के अधिकारी, बचाव कार्य में जुटे।